दोस्तों वंशिका आलजाब हिंदी चैनल में स्वागत है दोस्तों एक और वैकेंसी निकल के आया हुआ है जो कि ये वैकेंसी आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप सेना आयुध कोर वैकेंसी 2022 में निकाला हुआ है तो जो दोस्त सेना के लिए तैयारी करते हैं आर्मी के लिए मेहनत करते हैं उन युवाओं के लिए वैकेंसी निकला हुआ है जो कि आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप सेना आयुध कोर वैकेंसी दो में निकला हुआ है तो दोस्तों इस वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन बताएंगे तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी बताएं वो समझ आ जाए दोस्तों तो इस वीडियो में दोस्तों ये बताएंगे क्वालिफिकेशन से लेके एज से लेके सैलरी से लेके और टोटल पोस्ट कितना है ऑनलाइन कब होगा सारा डिटेल इस वीडियो में बताएंगे तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा वीडियो स्किप मत करिएगा दोस्तों तो दोस्तों आप लोग को शॉर्ट नोटिस दिखा रहे हैं आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप सेना आयुद कोर वैकेंसी दो हज़ार बाईस में निकाला हुआ है डिपार्टमेंट आप लोग को बता देते हैं आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप ए ओ सी पोस्ट नेम आप लोग को बता देते हैं दोस्तों ट्रेड्समैन फायरमैन जे ओ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसियाँ निकाला हुआ है टोटल वैकेंसी तीन हजार अड़सठ पोस्ट निकला हुआ है दोस्तों और दोस्तों आप लोग को बता दें फार्म अप्लाई डेट यानी फार्म ऑनलाइन कब होगा तो दोस्तों सितंबर से अक्टूबर सितंबर से अक्टूबर तक ऑनलाइन शुरू हो जाएगा दोस्तों जैसे ऑनलाइन शुरू होता है तुरंत हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकला था शॉर्ट नोटिस आया था आर्मी ऑर्डिनेंस की ओर से तो मैं सोचा कि अपने दोस्तों को बता दें ताकि अभी से तैयारी में लग जाएँ फार्म का लास्ट डेट जो है अक्टूबर से नवम्बर तक रहेगा दोस्तों सैली लेवल आप लोग को बता दें तो वन के तहत आप लोग को मिलेगा शुरू में अठारह हज़ार से लेके छप्पन हज़ार नौ सौ रुपया लेवल दो के तहत उन्नीस हज़ार नौ से और तिरसठ हज़ार दो सौ के समथिंग में आप प्लस अलाउंस भी आप लोग को मिलेगा और दोस्तों बता देते हैं कि इसमें कितना पोस्ट निकला हुआ है ट्रेडमैन मैट में जनरल में नौ सौ सीट है ई में दो सौ सीट है ओ में छः सौ चौबीस सीट है ए में तीन सौ सीट है एस में एक सौ सीट है टोटल पोस्ट दो हज़ार तीन सौ तेरह पोस्ट निकला हुआ है फायरमैन में जनरल में दो सौ छत्तीस ई डब्ल्यू एस में छाछठ ओ बी सी में एक सौ सतहत्तर ए सी में अंठानवे एस टी में उनचास टोटल पोस्ट छः सौ छप्पन निकला हुआ है जे ओ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में जनरल में चालीस ई डब्ल्यू एस में दस ओ बी सी में सत्ताईस ए सी में पंद्रह एस टी में सात टोटल पोस्ट निन्यानवे निकला हुआ है यानी दोस्तों ई डब्ल्यू एस सब का उन लोग का नहीं बताया टोटल मिला के तीन हज़ार अड़सठ पोस्ट निकला हुआ है एडुकेशन क्वालिफ़िकेशन बता दें दोस्तों दे एडुकेशन क्वालिफ़िकेशन मतलब दोस्तों योग्यता यानी आप लोग को क्या योग्यता होना चाहिए कितने क्लास पास होना चाहिए तो दोस्तों अगर ट्रेडमैन मेट के लिए अप्लाई करते हैं तो दसवीं पास दसवीं पास पास होना चाहिए यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए या किसी भी बोर्ड से पास होना चाहिए यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड कोई भी बोर्ड हो बोर्ड या यूनिवर्सिटी से दसवीं पास होना चाहिए फायरमैन का बात करें दोस्तों फायरमैन में, में दसवीं पास होना चाहिए इसमें भी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड यानी यूनिवर्सिटी से पास होना चाहिए दसवीं या कोई सा भी बोर्ड से पास होना चाहिए यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या कोई सा भी बोर्ड से पास होना चाहिए और दोस्तों तीसरा पोस्ट जो है जी ओ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो वैकेंसी निकला है तो इसमें बीए बीए ग्रेजुएशन मांगा हुआ है बीए पास कैंडिडेट या प्लस साथ में डिसप्लिन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि यूनिवर्सिटी या बोर्ड से होना चाहिए दोस्तों यूनिवर्सिटी से होना चाहिए बीए पास होना चाहिए दोस्तों और दोस्तों एग्जामिनेशन फीस बता दें यानी आप लोग को एग्जामिनेशन फ़ीस कितना मांगा गया है तो जनरल ओ बी सी ई डब्ल्यू एस ए सी एस टी कैंडिडेट सभी कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी का हो या जनरल हो या ओबीसी हो या एसी हो या एसटी हो या ई डब्ल्यू एस हो सबके लिए फ्री है एक रुपया भी नहीं लगेगा एज अकाउंट की बात करें लास्ट डेट दोस्तों लास्ट डेट एज काउंट यानी कितने एज के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जब ऑनलाइन होगा तो बता देते हैं जनरल का अठारह से पच्चीस वर्ष का कैंडिडेट आवेदन कर सकता है ओबीसी का अठारह से अट्ठाइस वर्ष का कैंडिडेट आवेदन कर सकता है ए एसटी का कैंडिडेट अठारह से अट्ठाईस अठारह से सॉरी दोस्तों ए और एस का कैंडिडेट अठारह से तीस वर्ष का कैंडिडेट आवेदन कर सकता है एक बार और दोस्तों बोल देते हैं एज काउंट लास्ट डेट से लगेगा दोस्तों तो जनरल का अठारह से पच्चीस वर्ष का कैंडिडेट आवेदन कर सकता है ओबीसी का कैंडिडेट अठारह से अट्ठाईस वर्ष का कैंडिडेट आवेदन कर सकता है एसी एसटी का कैंडिडेट अठारह से तीस वर्ष का कैंडिडेट आवेदन कर सकता है आर्मी ऑर्डिनेंस क्राफ्ट सलेक्शन प्रोसेस बता देते हैं दोस्तों पहले तो ये दोस्तों आप लोग को बता देते हैं सलेक्शन कैसे होंगे यानी इसमें सेलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको पहले तो आप लोग को फिजिकल देना पड़ेगा यानी रनिंग उनिंग करना पड़ेगा स्केल टेस्ट देना पड़ेगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फर्स्ट बार हो गया फिजिकल स्केल टेस्ट और डॉक्यूमेंट ये तो हो गया दूसरा आप लोग को दोस्तों रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा यानी रिटर्न क्वालीफाई करना पड़ेगा उसके बाद मेडिकल क्वालिफाई करना करना पड़ेगा लास्ट प्रोसेस फाइनल सिलेक्शन होगा यानी चौथा में आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होगा हाइट हाइट आप लोग को बता देते हैं दोस्तों हाइट विथआउट शूज यानी बिना जूते का हाइट आप लोग को एक पैंसठ सेंटीमीटर चाहिए तो चाहिए यानी एक पैंसठ सेंटीमीटर चाहिए सीना आप लोग का दोस्तों इक्यासी से पाँच सेंटीमीटर फुला भी चाहिए यानी इक्यासी से छियासी सेंटीमीटर तक चाहिए फायरमैन में, में आप लोग का अस्सी से पचासी सेंटीमीटर चाहिए वेट आप लोग को पचास के चाहिए दोस्तों रनिंग रनिंग जो आप लोग का होगा आ, रनिंग सोलह सौ किलोमीटर का होगा यानी वन पॉइंट किलोमीटर इन यानी दोस्तों सोलह सौ किलोमीटर का रनिंग होगा छः मिनट में आप लोग को क्वालिफाई करना है यानी छः मिनट में आप लोग आ जाएंगे तो आप लोग क्वालिफाई कर जाएंगे यानी सोलह सौ मीटर का रनिंग होगा आप लोग का टाइमिंग जो क्वालिफाई दिया है छः मिनट में क्वालिफाई करना है और दोस्तों बता दें क्राइंग क्राइंग ए मैन ऑफ तिरसठ पॉइंट पाँच के का वजन होगा डिस्टेंस आप लोग को एक सौ तिरासी के एक सौ तिरासी मीटर तक फेंकना होगा जो कि दोस्तों छियानवे छियानवे सेकेंड में वो डिस्टेंट छियानवे सेकेंड में उसको उस वजन को एक सौ तिरासी मीटर फेंकना होगा जो कि के होगा तिरसठ पॉइंट फाइव होगा तो दोस्तों जो बताएँ वो आप लोग को समझ आ गया होगा तो जहाँ तक तो उम्मीद है कि जो बताएं वो समझ आ गया होगा तो दोस्तों जैसे ऑनलाइन शुरू होगा तुरंत वीडियो बनाएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा फटाफट अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए कंफर्म है कि आर्मी ऑर्डिनेंस क्राफ्ट सेना आयुक्त कोर वैकेंसी 2022 में आ गया है दोस्तों तो दोस्तों वंशिका आलजाब हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाला जो भी वैकेंसी हो इस चैनल के माध्यम से पता चले धन्यवाद